हेलो, वेलकम टू ज्योति एजुकेशन सेंटर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इंट्रोडक्शन, व्हेन टू यूज, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस बताऊंगी। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में मैं आपको थ्री टाइप्स के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फॉर्म करना बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं लूंगी कुछ एक्सेप्शन, यानी कि जो उस रूल को थोड़ा ब्रेक करते हैं। इसके बाद कॉमन मिस्टेक्स और आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट का फर्स्ट पार्ट विद इंट्रोडक्शन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस टेंस की पहचान होती है इसके लास्ट में चुका होगा, चुके होगे, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर या होगा, जैसे किया होगा, दिया होगा, लिया होगा, इस टाइप से लगता है। होगा होगा होगा, जैसे कि फ्यूचर की पहचान होती है, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में होता था गा गी गे, तो ऐसे ही इसमें होता है गा गी गे, लास्ट में होता है। तो देखते हैं सेंटेंसेस में। मुकेश 10 बजे तक कॉलेज पहुंच चुका होगा, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है विल हैव, ये दो तरह की हेल्पिंग वर्ब, विल हैव, ये पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब एक जो यूज होती है फ्यूचर परफेक्ट में। मुकेश विल हैव रीच्ड कॉलेज, अच्छा मुकेश कॉलेज पहुंच चुका होगा, विल हैव रीच्ड कॉलेज, यहां तक तो हो गया। लेकिन इसमें टाइम भी लिया जाता है 10 बजे तक, यानी कि बाय 10 o'clock। जो अब इसमें क्या इसका होता है फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट मतलब से मतलब भी होता है काम का कुछ फिनिश होना, जो मैंने आपको अब तक बताती आ रही हूं। लेकिन इसमें फ्यूचर में कैसे परफेक्ट हो गया, जो हम काम करने की सोच रहे हैं वो फ्यूचर में कब फिनिश होगा उसको हम बता रहे हैं। लेकिन इसमें जो टाइम होता है वो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, नियर बाय अप्रोक्स टाइम होता है। जैसे कि 10 बजे तक हमने इसमें लिया है बाय 10 o'clock, तो एग्जैक्ट 10 बजे तक नहीं होगा, इसका मतलब क्या होता है उससे थोड़ा पहले मेरा कंप्लीट हो चुका होगा। हो सकता है 9:55 पर मुकेश जो है कॉलेज पहुंचे, 9:45 पर पहुंचे, या 9:50 पर पहुंचे, मतलब 10 बजे तक का मतलब होता है 10 बजे से जस्ट पहले पहले वो कॉलेज पहुंच चुका होगा। यानी कि फ्यूचर में कोई भी जो सर्टेन टाइम है उससे पहले, जो नया टाइम दिखा है उससे पहले वो काम हो चुका होगा। तो ये बिफोर टाइम के लिए हम शो करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके आगे इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगती है, ये मैं आपको स्ट्रक्चर में कैसे यूज होता है बताऊंगी आगे, सो डोंट वरी। आपके आने से पहले मैं अपनी किताब पढ़ चुका हूंगा, जैसा कि पास्ट परफेक्ट में हमने देखा था उसमें भी दो एक्शन को हम एक सेंटेंस में लिख सकते हैं बिफोर और आफ्टर का यूज करके, ऐसे ही हम इसमें बिफोर और आफ्टर का यूज करके लिख सकते हैं। लेकिन क्या डिफरेंस होता है, उसमें एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनता था और सेकंड पास्ट इंडेफिनिट, इसमें एक सब जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा और नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आपके आने से पहले मैं अपनी किताब पढ़ चुका हूंगा, तो से इसमें सबसे पहले क्या है, आपके आप आओगे और उससे पहले ही मैं अपनी किताब पढ़ चुका होगा, तो उसमें सबसे पहले क्या देखा है वही पास्ट परफेक्ट की तरह कौन सा वर्ब पहले हो रहा है दोनों में से, दोनों ही काम फ्यूचर में होंगे लेकिन कौन सा पहले हो जाएगा। किताब पढ़ने वाला ना, मैं जो सोच रही हूँ वो किताब पढ़ने वाला पहले सोच रही हूँ, तो आई विल हैव रीड माई बुक, आई विल हैव रेड माई बुक, तो जो काम पहले हो चुका है उसको हम बनाएंगे किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। और इसके बाद जो सेकेंड सेंटेंस है उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिफोर यू कम। तो इस टाइप से मैं आपको स्ट्रक्चर में इसका पूरा फॉर्मेशन आपको एक बताऊंगी। तो अभी बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना है, जब भी हम इसमें कोई टाइम की बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, तो वो कोई सर्टेन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता, बल्कि वाय नियर अप्रोक्स टाइम होता है, उससे पहले हो चुका होगा, इस पे हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। Now, when to use? Before a certain time in future, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, इसमें हमें एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं करते, जैसे 10 o'clock, तो 10 o'clock पर ऐसे नहीं करते, सर्टेन टाइम कोई निश्चित टाइम नहीं, बट उससे कुछ टाइम पहले
कि हम बात करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता एग्जैक्ट टाइम क्या है, बट हाँ उससे कुछ टाइम मतलब उस टाइम तक पहुंचते पहुंचते वर्क का फिनिश होना फ्यूचर में, उसमें हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। आई विल हैव फिनिश माई होमवर्क बाय 10 o'clock, मैं अपना होमवर्क 10 o'clock तक फिनिश कर लूंगी, कर चुकी होंगी। ठीक है, मैं बता रही थी मैं 10 o'clock तक फिनिश कर चुकी होंगी, लेकिन एग्जैक्ट 10 o'clock तक नहीं, या हो सकता है 9:45 पर, 9:42 पर, 9:50 पर, 9:55 पर, लेकिन एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकती 5 मिनट्स पहले, 10 मिनट्स पहले, तो सर्टिन निश्चित टाइम नहीं, बट उस टाइम से थोड़ा पहले पहुंचने तक, उस टाइम तक पहुंचते पहुंचते फिनिश हो चुका होना किसी चीज का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक्शन बिफोर अनदर एक्शन, वही जैसे पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको भी बताया अभी था, दो एक्शन होते हैं हमारे और एक एक्शन हुआ है और उससे पहले जो एक्शन हुआ है उसमें हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और एक में उसमें से और से सेकंड सेंटेंस में हम यूज करते हैं पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही विल हैव डन हिज वर्क बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले वह अपना काम कर चुका होगा। मैं आपको फॉर्मेशन पूरा अभी आगे स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगी, तो ही विल हैव डन इज वर्क, सबसे पहले वो काम कर चुका होगा, उसके बाद तुम आओगे, तो तुम जब तक आओगे काम कर चुका होगा, तो उसमें सबसे पहले कौन सा एक्शन हो रहा है, तो मैंने लिखा कि एक्शन बिफोर अनदर एक्शन, अगर दो एक्शन हो रहे हैं तो जो फर्स्ट एक्शन हो रहा है उसमें यूज होगा, तो इसमें यूज हुआ है काम करने में, ही विल हैव डन हिज वर्क बिफोर यू कम, तो इस टाइप से हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस की, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती आ रही हूँ, देयर आर 3 types ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम केवल कोई बात कहते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं ये। नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं, नहीं, और इंटरोगेटिव होते हैं जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, और इंटरोगेटिव में भी 2 types के होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव, मैं आपको आगे डिटेल में पूरा बताती जाऊंगी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। अभी हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैंने ये कुछ 3 sentences लिखे हैं, और हर में मैंने आपको 2 action वाले ही लिए हैं, क्योंकि यही मोस्टली स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, तो आइए देखते हैं। इससे पहले जैसा कि आप पास्ट परफेक्ट पढ़ चुके हो, अगर उसमें आपने अच्छे से लर्न करा है और अच्छे से पढ़ा है, तो इन सेंटेंसेस में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आप इसके लिखने के हैबिचुअल भी हो गए होंगे, बस कुछ रूल जो है थोड़े से चेंज होते हैं, पैटर्न सेम रहता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें बात करते हैं, 2 action हो रहे हैं, सबसे पहले आपको जैसा कि पास्ट परफेक्ट में पहचानना पड़ता था फर्स्ट एक्शन कौन सा हो रहा है, सेकंड कौन सा हो रहा है, ऐसे इसमें पहचानना पड़ता है, दोनों ही एक्शन हमारे फ्यूचर में होंगे, लेकिन पहले कौन सा होगा और उसके बाद कौन सा होगा, तो तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका हूंगा, इसमें मैं 2 action की बात कर रही हूं, तुम आओगे मैं खाना खा चुका हूंगा, लेकिन मैं खाना खा चुका हूंगा ये मैं पहले कर चुकी हूंगी बजाय तुम्हारे आने के, तो उसमें फर्स्ट एक्शन हो गया मैं खाना खा चुका हूंगा, सेम पास्ट परफेक्ट की तरह रहेगा, आपको पहचानना है पहले क्या काम हो रहा होगा, और जो पहले काम हो रहा होगा उसमें हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट, और जो सेकंड वाला एक्शन हो रहा होगा उसमें हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी इसमें हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट और इसमें हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहले केवल इतना देखिए, मैं खाना खा चुका हूंगा, तो सबसे पहले आपको पता है ये सब्जेक्ट बस हेल्पिंग वर्ब वर्ब टेंस में चेंज होती है, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब है, विल है, ये पूरी की पूरी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल है, जो कि फ्यूचर परफेक्ट को शो करती है। इसके बाद परफेक्ट में चाहे वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी हो, सब में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, बचा हुआ पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे फर्स्ट टेंस है, अब तक तो आपको लर्न अच्छे से लर्न हो गया होगा, समझ आ गया होगा, तो और अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, यहीं से ही हमने टेंस स्टार्ट किए थे, और बिफोर लगता है पहले, और तुम्हारे आने से पहले, यानी कि इसमें भी पहले सब्जेक्ट और क्या लगता था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस, अगर सिंगुलर होता था तो एस या ईएस लगता था, वरना फर्स्ट फॉर्म सिंपल यूज होती थी, एक्सेप्ट आई, आई एक्ट्स एज अ प्लूरल हियर।
और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब मैं तुम्हारे आने से पहले, तो बिफोर, सब्जेक्ट क्या है यू, और आने से पहले मतलब आना क्या होगी इसकी वर्ब, तो बिफोर यू कम। अब इस पे कम्स नहीं आएगा, आप मेरी वीडियो में जाके देखिए, वो पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया है क्योंकि प्लूरल है, ठीक है। तो आई विल हैव ईटन द फूड बिफोर यू कम, इस टाइप से बनते हैं। अच्छा अब ये वाला आप लोग बोलिए, सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे, तो वही सबसे पहला दो एक्शन है, फर्स्ट एक्शन, उसके बाद कौन सा हुआ है, तो जो सबसे पहले हुआ है वो परफेक्ट में, बाकी इनडेफिनेट में। तो सूरज छिपने से पहले, सूरज छिपेगा उससे पहले वे मैच खेल चुके होंगे, तो फर्स्ट एक्शन हमारा होगा ये, यानी कि ये बनेगा हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में और प्रेजेंट इनडेफिनेट में। वैसे इसमें बिफोर का ही यूज होता है, तो एक बात आप कर लीजिए, जो ये वाला सेंटेंस लिखा होगा पहले के बाद का, इसका शॉर्टकट जो मैं बता रही हूँ पहचान, वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट ही होगा क्योंकि बिफोर में ऐसा ही होता है, और इसके ये वाला एक्शन जो होगा वो पास्ट इंडेफिनेट होगा क्योंकि बिफोर के बाद वाला काम पहले ही होगा, ठीक है। तो आप इसमें डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं, तो यानी इस वाले को जो पहले के बाद लगा हुआ है इसको हम परफेक्ट में बनाएंगे और उससे पहले वाले को इंडेफिनेट में। दे विल हैव, वे दे विल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब, विल हैव ये ही शो करते हैं फ्यूचर परफेक्ट, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें। दे विल हैव प्लेड द मैच, अच्छा सूरज छिपने बिफोर द सन, अब इसमें आया सेट्स, वहां पर एस लगा है क्योंकि सन क्या है सिंगुलर, ठीक है। टीचर के आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया होगा। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द बिफोर टीचर कम्स, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया होगा। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर टीचर कम्स, तो इस टाइप से आपके हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस मीन जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं, काम नहीं हुआ होगा, ठीक है। अच्छा तुम्हारे आने से पहले मैं खाना नहीं खा चुका हूंगा, बस मैंने इसमें नॉट नहीं लगा दिया, तो मींस इसमें नॉट लग जाएगा। अब नॉट कौन से सेंटेंस में लगेगा, हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में ही नॉट लगेगा, यानी कि स्टार्टिंग वाले सेंटेंसेस में जो नॉट लगेगा, ठीक है। और नॉट कैसे लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें तो विल हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगेगा। सब्जेक्ट यहाँ पर विल हैव आता था, विल नॉट हैव, बाकी स्ट्रक्चर पूरा का पूरा सेम ही रहेगा। और हाँ, दोनों एक्शन में नॉट मत लगाना, केवल इसी एक्शन में नॉट लगेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें भी नॉट लगा दो, मतलब इंडेफिनेट वाला नॉट में नहीं लगेगा, केवल परफेक्ट में ही आपको नॉट लगाना है। देखते हैं, जैसे तुम्हारे मैं खाना नहीं खा चुका होगा, तो कहाँ लगा दू उसमें नॉट, आई विल हैव नॉट, आई विल हैव नॉट नहीं, बल्कि इसमें नॉट कहाँ लगा दू मैं, इधर, आई विल नॉट हैव, कभी भी ऐसा मत करते ना विल हैव नॉट, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी दो हेल्पिंग वर्ब होती थी, विल नॉट बी, इसी टाइप से इस पे। देखिए अब तक अगर आप टेंस पढ़ चुके होंगे तो ये सब आपको सिंपल लग रहा होगा, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है टेंस में, ना आने वाले टेंस में, जो सिक्स और सेवन टेंसेस होते हैं ना, यहाँ तक आपने अगर कवर कर लिए हैं अच्छे से तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अभी तक तो ये नाइन टेंस है, एट टेंस आप कवर भी कर चुके हो, तो उसमें हर टाइप की हेल्पिंग वर्ब आ गई, कैसे नॉट लगेगा, दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ यूज हो रही है उनके बीच में लगेगा, ऐसे विल बी विल नॉट बी। तो आई थिंक आपने अगर अच्छे से किया होगा, मेरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप तुरंत समझ जाओगे। सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल नहीं चुके होंगे, या उन्होंने मैच नहीं खेला होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उन्होंने मैच नहीं खेला होगा, तो आ होगा, या होगा, ए होगे, ये भी फ्यूचर परफेक्ट को शो करते हैं। तो दे इसमें भी इधर लगा दीजिए, देखिए कितने सिंपल है, बस एक अफर्मेटिव सीख लीजिए, इसी से ही आपके इंटरोगेटिव बन जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे। दे विल नॉट हैव प्लेड द मैच बिफोर द सनसेट, और फॉर्म हमेशा थर्ड यूज होती है परफेक्ट। टीचर के आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया होगा। I will कहाँ लगा दू, उधर लगा दू, देखिए हो गया। I will not have finished my work before teacher comes.
नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि मैंने बताया था, दो टाइप्स के इंटरोगेटिव होते हैं, सिंगल एंड डबल। सिंगल कौन से होते हैं? जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं अपना सेंटेंसेस। इनको यस और नो टाइप सेंटेंसेस भी कहते हैं, क्योंकि इनका आंसर हम केवल यस और नो में भी कर सकते हैं। जैसे, क्या तुम अपना काम फिनिश कर चुके होंगे? यस, तो मैं समझ जाऊंगी यस। और नो मीन्स मैं समझ जाऊंगी नहीं, उस टाइम तक होगा नहीं होगा, हो चुका होगा। तो इसलिए इसको यस और नो टाइप सेंटेंसेस भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर और बात करते हैं सेंटेंसेस की। सबसे पहले मैंने लिखा है, क्या तुम इस किताब को अगस्त तक पूरा कर चुके होंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें सर्टेन टाइम नहीं होता, फिक्स टाइम नहीं होता, बट उतना उससे पहले, मतलब जो टाइम लिखा था उससे जस्ट पहले पहले वो काम हो चुका होगा, इसकी पॉसिबिलिटी होती है। तो इसको मैं हम कैसे बनाते हैं? विल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इसमें क्या होता है, विल पहले आएगा, उसके बीच में सब्जेक्ट लग जाएगा और उसके बाद हैव आएगा, फिर सिंपल चलता है। सब्जेक्ट जो है, जो विल हैव है, दो वर्ड की जो हेल्पिंग वर्ब है उन दोनों के बीच में आ जाएगा। यही होता है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आती है, सिंगल इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट। लेकिन इसमें जो है दो हेल्पिंग वर्ब, विल और हैव, दो वर्ड्स में है हेल्पिंग वर्ब। तो पहला वाला जो लेटर है, वर्ड है विल, वो आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और जो बचा हुआ इसका पार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब का, सेकंड वाला वर्ड, वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। जैसे कि नॉट इन दोनों के बीच में लगता था, ऐसे ही यहां भी लगेगा। विल, सब्जेक्ट, हैव और से, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर टाइम को हम शो करने के लिए हमेशा बाय यूज करते हैं। इसका मतलब होता है उतना तक हो चुका होगा, उससे जस्ट पहले हो चुका होगा, बाय और टाइम। क्या तुम इस किताब को अगस्त तक पूरा कर चुके होगे? तो सबसे पहले विल, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद इसमें सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट देखिए क्या तुम, यू, इसके बाद सेकेंड पार्ट जो रह गया था हेल्पिंग वर्ब का है, और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद तो हेल्पिंग मेन वर्ब आती है कंप्लीटेड दिस बुक, और टाइम शो करने के लिए बाय ऑगस्ट। ठीक है, अब एक और देखते हैं बिफोर वाला सेंटेंसेस इसी में ही। क्या ट्रेन के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे? इसमें मैंने नॉट भी लगाया है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले क्या ट्रेन को आने से पहले, ट्रेन के आने से पहले, सबसे पहले मैं इसको केवल अफर्मेटिव में बनाना देखती हूँ। सबसे सपोज मैंने यहां से नहीं लगा, हटा दिया, ठीक है, तो इसमें कौन से में लगेगा? हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में ही नेगेटिव लगा है, तो फ्यूचर परफेक्ट में ही हम क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल अफर्मेटिव ही यूज होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ट्रेन के आने से पहले, अब टिकट लेना पहला काम हो गया, तो विल वी, क्या हम टिकट ले चुके होंगे? इस टाइप से देखिए, विल बी, हैव टेकन, विल बी हैव, यही है ना विल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट हैव, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन, द टिकट्स बिफोर, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, ट्रेन आने से पहले, ट्रेन अराइव्स। ठीक है, अब इसका नेगेटिव लगा के भी देख लेते हैं, दोनों में नॉट कहां पर आता है अगर इंटरोगेटिव है? वैसे तो विल, नॉट, हैव ऐसे आता है, लेकिन इंटरोगेटिव में कहां पर आएगा? क्या तुम इस किताब को अगस्त तक पूरा नहीं कर चुके होगे? विल यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद, फिर से वही बात आ गई, कहां आता है इंटरोगेटिव में? नॉट, सब्जेक्ट के बाद, विल, सब्जेक्ट एंड नॉट, विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड दिस बुक बाय ऑगस्ट। अच्छा, अब ये वाला, इसमें भी हमेशा इधर ही यूज होगा फ्यूचर परफेक्ट में, तो इसमें भी कहां आ जाएगा? सब्जेक्ट के बाद। क्या ट्रेन के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे? तो विल वी नॉट हैव टेकन द टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्स। देखिए वही बात हो गई ना, नॉट कहां आता है? हमेशा यही रूल फॉलो होता रहे, सब्जेक्ट के बाद, विल बी नॉट हैव टेकन द टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्स। तो इस टाइप से आपकी होगा सिंगल इंटरोगेटिव। अब बात करते हैं WH फैमिली, यानी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिससे क्वेश्चन जो पूछते हैं उसका आंसर यस और नो में नहीं देने पड़ते, पूरा हमें देना पड़ता है, और जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में लगता है। जैसे कहां, वेयर, व्हाट, विच, इस टाइप से जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो इसमें यूज होते हैं।
तो इसके स्ट्रक्चर में भी बस यही चेंज है। आपने सिंगल इंटरोगेटिव यहाँ से शुरू करते थे, इसमें बस इससे पहले क्या लगाते थे, जो क्वेश्चन वर्ड इसमें आ रहा है देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन देखिए अगर सिंगल इंटरोगेटिव में हम विल से स्टार्ट करते थे हेल्पिंग वर्ब से, इसमें केवल उससे पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। तो देखते हैं, तुम 9 बजे तक कहाँ पहुंच चुके होंगे? ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इसमें वेयर, कहाँ, वेयर। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में आती है, मतलब जो दो वर्ड है वो अलग अलग हो जाते हैं, सब्जेक्ट उनके बीच में आ जाता है, वेयर विल। ठीक है, और इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू। अब इसके बाद बचा हुआ पार्ट हेल्पिंग वर्ब का है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है ये वीस, और टाइम को यहाँ पर कैसे शो करते हैं, बाय 9 o'clock, तुम 9 बजे तक। तो देखिए इसमें भी 9 o'clock, 9 बजे से पहले ही वो पहुंचेगा, एग्जैक्ट टाइम नहीं है 9 o'clock, उससे जस्ट पहले। अच्छा एक इसमें वो वाला भी देख लेते हैं, दो सेंटेंसेस वाला, यानी कि बिफोर वाला, बारिश होने से पहले वह कहां जा चुका होगा। सबसे पहले वह कहां जा चुका होगा, वेयर, ठीक है, विल, इसके बाद वह मतलब ही कहां जा चुका होगा, ठीक है, ही, इसके बाद बचा हुआ पार्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब गॉन, गो, वेंट, गॉन। इरेगुलर वर्ब्स में आपको बताया है, अगर आपको ये नहीं समझ आ रही है गो वेंट गॉन तो आप मेरी इरेगुलर वर्ब्स की वीडियो में जाके देखिए। वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर दो, बारिश होना, बारिश के तत्व क्या यूज करते हैं, मैंने पास्ट परफेक्ट में भी आपको बताया था इट, क्योंकि इसमें हम ही शी यूज नहीं कर सकते हैं, इट यूज करते हैं बिफोर इट रेन्स, तो इस टाइप से आपके हो गए। अच्छा अगर मैं इसमें भी नेगेटिव लगा दूं, उससे भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तुम 9 बजे तक कहां नहीं पहुंच चुके होगे, वैसे तो हम ऐसे नहीं पूछेंगे लेकिन ठीक है प्रैक्टिस के लिए अच्छा है ना, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं उसमें इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी लगता है। तो वेयर, अब इसमें नेगेटिव कहां लगेगा, नॉट कहां लगा था, सब्जेक्ट के बाद, वही बात आ गई, इंटरोगेटिव में कहां लगता है, सब्जेक्ट के बाद, तो नॉट। वेयर विल यू नॉट, देखिए हो गया सिंपल, हैव रीच्ड बाय 9 o'clock, इसमें भी कहां लगेगा, सब्जेक्ट के बाद, बारिश होने से पहले वह कहां नहीं जा चुका होगा, वेयर विल ही नॉट हैव गॉन बिफोर इट रेन्स, इसमें भी ऐसा मत कर देना, इसमें भी लगा दो नेगेटिव और वो नहीं, इसमें फ्यूचर परफेक्ट में ही लगेंगे, ज्यादातर सेंटेंस इसमें बिफोर वाले ही होते हैं। तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, मैंने ट्राई किया हर टाइप का सेंटेंस बताने की इसमें ट्राई किया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टेंस को लेते हुए आगे बढ़ूंगी, कुछ एक्सेप्शन यानी कि स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे जो स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं उसमें मैं आपको एक्सेप्शन में बताऊंगी, कुछ कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं, और कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज के बाद आपने कैसा लर्न किया है ये मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन प्रेस करिए, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद सेम टेंस विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।